हाय व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है गिरावट का दौर जारी है। आज भी स्टॉक मार्केट में जो है एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। जिस तरीके से निफ्टी के अगर आप पीक को देखेंगे तो 18,600 के लेवल से करीब करीब 11% के आसपास का करेक्शन निफ्टी में हो चुका है। करेंट में निफ्टी जो है वो 16,600 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपने पीक से करीब करीब 16-17% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अब प्रश्न यही उठ रहे हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में कि अब आगे का क्या सही रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से जो है हमें मार्केट को लेके अपनी स्ट्रेटजी चॉकआउट करना चाहिए, और ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इसमें किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है। ये सारे एक पॉजिटिव नोट्स को लेके आज की हम कुछ चर्चा करेंगे। जनरल निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके ऑलरेडी मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है कि बहुत ज़्यादा भी यहाँ से करेंट लेवल से करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है। जितना भी मेजर करेक्शन होना था, जो भी फैक्टर्स हैं, उसके भी हम अपने वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। जो लोग ये फैक्टर्स जानना चाहते हैं कि क्यों जो है मार्केट में इस तरीके की गिरावट देख रही है, तो वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर आज दोपहर का और कल जो हमने वीकली स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करके जो एक वीडियो डाला है उसको जाके देख सकते हैं। इसलिए हम अब उन कारणों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो सिनारियो है इसमें किस तरीके से आपको जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है, किस तरीके से आपको अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट करना है, और किस तरीके से जो एक डिफ़िकल्ट टाइम मार्केट में जब एक करेक्शन का टाइम आता है और आप देखते हैं कि जगह जगह लोग आपको फिर सेल आउट करने की पोजीशन देते हैं और एक भय का माहौल जो है वातावरण क्रिएट हो जाता है, तो उसमें आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे अपने इस स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, जिस तरीके से ये फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको आता है उसको कैसे आपको मैनेज करना है, और करंट सिनारियो में अभी भी ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे धीरे धीरे ट्रेंचेस में आपको जो है अब इन्वेस्टमेंट या SIP के माध्यम से आपको जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए अब इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो FII और FPI का जो सेलिंग का नंबर है, और ये कोई सेलिंग ये पिछले 2 या 3 महीने से नहीं चल रही है, ये करीब करीब अप्रैल से ये सेलिंग चल रही है, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो अगर आप जो है FII और FPI का सेलिंग का डेटा देखेंगे तो ये करीब करीब 1,00,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में कर चुके हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि ये जो पैसा पंप आउट किया है FII ने इंडियन इक्विटी मार्केट से, क्या ये जो दूसरे मार्केट्स होते हैं जैसे बॉन्ड मार्केट है, कमोडिटी मार्केट्स है, या फिर ये किसी और इंस्ट्रूमेंट में या कहीं किसी और देश में ये पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो अभी जिस तरीके से दूसरे मार्केट्स को भी अगर हम देखते हैं, एशियन मार्केट्स को देखें या यूरोपियन मार्केट्स को देखें या US मार्केट को देखें, तो लगभग सभी मार्केट्स में जो है करेक्शन का दौर चल रहा है, और बॉन्ड मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लोज नहीं आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी जो है एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैसा भी पंप आउट हुआ है, हो सकता है जब मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े करेंट लेवल से लोअर हों, आपको ध्यान होगा कि लगातार हम जो है मार्केट के हायर वैल्यूएशन की बात कर रहे थे दोस्तों, तो मार्केट के जो वैल्यूएशन है, मतलब जब भी हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि जो मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका साइज करीब करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बनी हुई है। तो जो स्टॉक मार्केट का जो साइज है वो इंडियन इकोनॉमी के आसपास है। तो ऐसे टाइम पे जिस तरीके से ये साइज लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से FII और FPI की जो सेलिंग है उसको भारत के रिटेल इन्वेस्टर और जो इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार जो है ऑफसेट कर रहे हैं, लगातार इसको बैलेंस किए हुए हैं। वैसे भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये जो दिसंबर का महीना होता है, ये ईयर एंड का महीना होता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कैलेंडर ईयर चलता है और जो फंड मैनेजर्स होते हैं, मनी मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉफिट बुक आउट करके मार्केट से और फिर अपने हॉलीडे पे जाते हैं और फिर नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं जनवरी के 1st और 2nd वीक से, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी आपसे की हुई है। तो किसी भी तरीके का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यूलिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
किसी भी रूट से अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये टाइम है कि आपको जो है अपना जो है SIP का अमाउंट है उसमें अगर आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है तो आपको अपने जो आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेके इसमें एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल आ रहे हैं अब यहाँ से आप एक बहुत अच्छा रिटर्न नियर भविष्य में आपको मिल सकता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो करेंट सिनारियो में जो है ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशन वाइज या जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यहाँ से बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में बहुत सारे आइडियाज़ आपको लगातार मिलते हैं, परंतु जब इस तरीके से मार्केट में ब्रॉडर करेक्शन आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार इनमें बहुत डीप करेक्शंस आते हैं और कई बार 30-40% के करेक्शन आते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका सही तरीके से आपने एसेट एलोकेट नहीं किया हुआ है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन को देखना चाहिए। इसलिए हम जिन कंपनीज़ की बात करेंगे जो साउंड फंडामेंटल, जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार मार्केट में बने हुए हैं और काफ़ी दिग्गज कंपनीज़ हैं अपने सेक्टर्स की, उन कंपनियों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम जो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है लार्सन एंड टूब्रो का। लार्सन एंड टूब्रो जो है वो कैपिटल गुड सेक्टर की कंपनी है, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जल में हो चाहे थल में हो, बहुत जिसमें एक बहुत डीप टेक्नोलॉजीज़ की या बहुत स्पेसिफिक जो है इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ती है वहाँ पे भी जो है L&T जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत साउंड कंपनीज है और अभी जिस वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है, टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स बहुत अच्छा पॉइज्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में जो है निकट भविष्य में अगर आप प्रॉपर SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न की आप इसमें एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पैरामीटर्स पे L&T जो है, अगर आप उसकी ऑर्डर बुक्स को भी देखेंगे किस हिसाब से अब जो प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स काफ़ी हाई लेवल पे होता है, तो इसलिए इनमें टाइम लगता है जब ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, बड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ऑर्डर बुक्स के हिसाब से जो इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब निकट भविष्य में इनके कैश फ्लोज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कैश फ्लोज में जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो इनके नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स के नंबर में इनके जो मार्जिन्स होते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, इनमें सुधार देखने को मिलेगा। तो लार्सन एंड टूब्रो दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसको आपको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। दूसरी कंपनी भी इसी सेक्टर की जो कंपनी है वो है सीमेंस। सीमेंस में भी लगातार अगर आप देख रहे होंगे तो ये लगातार जो है हाई लेवल के आसपास बनी हुई है। टेक्निकली अभी इसने एक अपना लाइफ टाइम हाई भी रिकॉर्ड किया था, उसके बाद इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है, आपने सीमेंस के कई प्रोडक्ट्स अपने आसपास देखे होंगे। ये भी दोस्तों कई तरीके के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी कई तरीके के ये जो है डिवाइसेस और अप्लायंसेस भी प्रोवाइड करती है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन या कई तरीके के और भी ऐसे जो है बड़े बड़े आपने जनरेटर इन्वर्टर के आसपास भी आपने कई तरीके के इनके सेटअप देखे होंगे, और ये भी एक जो है कैपिटल गुड और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की साउंड कंपनी है। तो इस कंपनी को भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसके नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, इनके नंबर्स में सुधार देखने को मिलेगा। करेंट पे अगर इनका जो हम पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी बहुत पॉइज्ड लग रही है। तो ये दो कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए कैपिटल गुड सेक्टर से। चलिए अब बात करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की। दोस्तों, रियल इस्टेट सेक्टर में पिछले 8-10 साल हमने जो है मार्केट को एक स्टेबल देखा है। मार्केट में रेरा आया, डीमोनेटाइजेशन और जिस तरीके से GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये पूरा सेक्टर एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा है और अब ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर ने जो है एक अच्छा सपोर्ट बेस बना लिया है। जिस तरीके से रियल इस्टेट सेक्टर में भी जो है एक रिकवरी आई है, जिस तरीके से लोग लगातार कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट और अपना घर लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर में भी आने वाले दिनों में आपको जो है एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर की जो कंपनी है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए, पहली कंपनी DLF है दोस्तों। दिग्गज ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का,
पुराने समय में इसमें कुछ डेट को लेके इश्यूज थे, परंतु बाद में कंपनी ने अपने एसेट्स सोल्ड आउट करके वो कई तरीके से अपने डेट को जो है मैनेज किया है, रिफाइनेंस किया है, जिस तरीके से लगातार इसके भी कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कई इसके प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। आने वाले दिनों में कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और कई तरीके के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के भी जो सेल्स के नंबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो DLF एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको रियल इस्टेट सेक्टर से नज़र रखना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं IT सेक्टर की। IT सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो भी एसेंचर कंपनी के जिस हिसाब से गाइडेंस आए हैं उसने पूरा IT सेक्टर के लिए जो है एक पॉजिटिव जो है एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है। और IT सेक्टर में इस गिरावट में भी जो सबसे कम गिरावट देखने को मिली है वो IT कंपनीज में मिली है। तो कई ऐसी IT दिग्गज कंपनीज हैं इस सेक्टर में, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, परंतु हम कुछ फ्रंट लाइन कंपनीज की बात करेंगे जिसमें सबसे पहली कंपनी जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए वो इन्फोसिस है। दोस्तों पुराने समय में कई तरीके के कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज और कई तरीके के मैनेजमेंट चेंजेस आपने इस कंपनी में देखे हैं, परंतु उसके बाद भी लगातार इस कंपनी ने जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दी हुई है। जिस तरीके से अब लगातार इसको जो है नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार इसके गाइडेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छे अपर ट्रेडिंग जोन में अभी भी मेंटेन है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य के दिनों में इसमें भी एक अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो पहली IT सेक्टर की कंपनी इन्फोसिस है। दूसरी जो कंपनी दिग्गज कंपनी है वो है विप्रो। विप्रो भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगातार जो है हमने फाइनेंशियल्स में सुधार देखा है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी वेल पॉइज्ड है। चाहे आप प्राइस टू अर्निंग देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, EV टू EBITDA देखें या प्राइस टू सेल्स देखें, ऐसा लग रहा है कि इसमें भी जो है अब जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में, इसमें भी जो इन्वेस्टर्स एक बहुत अच्छा जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी जो IT सेक्टर की है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए वो है परसिस्टेंट सिस्टम। जिस तरीके से परसिस्टेंट सिस्टम में लगातार जो है फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, टेक्निकली भी ये जो है लगातार कंपनी जो है एक अपर ट्रेडिंग जोन में मेंटेन है। किसी भी तरीके के करेक्शंस में इसमें बहुत ज़्यादा जो है करेक्शन देखने को नहीं मिला है। रिलेटिव ये जो है इंडेक्स के Nifty IT हो या Nifty हो उसके विथ रिस्पेक्ट में ये जो कंपनी एक स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टर्स को नज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ जो है कि गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हमने बात इस वीडियो में की है, और ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है मार्केट का इसको आपको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसे कई और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, कई ऐसे मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको लेके हम भविष्य में वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि हमारा नया वीडियो कब रिलीज़ हो रहा है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल की चर्चा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से ज़रूर करें। और आपने जो इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।